हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करते हैं एडवांस एक्सेल के बारे में। तभी जो हम रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, ये मेरी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, लाइव ग्रुप क्लासेस है, जिसमें करीब 6-7 लोग मेरे साथ क्लासेस में है। और इसमें हम बात करेंगे मिसलेनियस कैलकुलेशन एंड मिसलेनियस फॉर्मूला, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस की रूटीन में। आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आगे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कभी भी कुछ तरह के प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। मेरी वीडियोज और मेरे और भी जो नोटिफिकेशन है वो आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मिल सके। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो आज की टॉपिक है मिसलेनियस कैलकुलेशन। हम बात करेंगे छोटे मोटे कैलकुलेशंस के ऊपर में कि यहाँ हम कैसे करते हैं। इससे पहले की क्लास में हम सिलेक्शंस और मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे जिक्र कर चुके हैं कि किस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। क्लास की वीडियो वगैरह भी मैंने आपको भेजा था, जिसको आपने देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो आज की टॉपिक में हम जो है बात कर रहे हैं मिसलेनियस कैलकुलेशन, कि हम कैसे छोटे मोटे कैलकुलेशन करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे आज अपने साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन की, कि हम कैसे परसेंटेज की कैलकुलेशन एक्सेल में करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि परसेंटेज को टाइप कैसे करेंगे। अगर एक्सेल में परसेंटेज टाइप करना है तो यहाँ पे 20 और परसेंट का सिंबल लिखेंगे तो यहाँ पे 20% आता है। अगर आपने यहाँ पे 20 टाइप कर दिया, फिर इसके ऊपर परसेंट का सिंबल लगाए तो 2000% आएगा, मतलब कि 1 = होता है 100%। अगर मुझे बाद में परसेंटेज चाहिए तो 0.20 लिखें, उसके बाद परसेंट का सिंबल अप्लाई करें तो 20% आएगा। अगर किसी सेल का परसेंटेज निकालना हो, जैसे 500 है और मुझे इसका 30% निकालना है, 30% अगर परसेंट सिंबल में है तो हम क्या करेंगे, जस्ट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, जस्ट आपस में मल्टीप्लाई इक्वल, इसको आपस में मल्टीप्लाई। लेकिन कई बार क्या होता है कि 30% इन नंबर होता है तो सिर्फ मल्टीप्लाई से काम नहीं चलेगा, मुझे इसको आपस में डिवाइड बाय 100 करना होगा, तब रिजल्ट आएगा। उसी तरीके से प्लीज अपना कैमरा ऑफ करें। यहां पे मैं 500 में अगर मान लीजिए कि 460 नंबर आया है तो कितना परसेंट आया, इसको कैलकुलेट करने के लिए 460/500 करके एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह के डेसिमल में आए, तो इस डेसिमल में हम यहाँ पे परसेंट का सिंबल अप्लाई करेंगे तो 92% आ जाए। मनीष जी कुछ पूछना है क्या, आपने हैंड रेज कर रखा है। हेलो, चलिए अब चलिए कुछ और चीजों पे जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि अगर 100 रुपीज की एमआरपी वाली कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट में ऑलरेडी 18% का जीएसटी इंक्लूडेड है, तो 18% जीएसटी हटाने के बाद उसका प्राइस जो है विदाउट जीएसटी कितना हो? तो ऐसे कैलकुलेशन के लिए जस्ट इसको डिवाइड करना है 118% से। जी हाँ, रिजल्ट आ जाए, मतलब जितना परसेंट होगा ना उसमें 100 जोड़ के उतने परसेंट से उसको डिवाइड करेंगे तो आपको एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर पिछले साल मेरा 200 रुपये का मान लीजिए ये था, कोई सामान था, वो 30% बढ़ गया तो अभी प्राइस क्या हो? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 200+ और इसमें क्या करते हैं, इसका 10-20% बढ़ा है तो 20% इसको करते हैं, तब जाके 240 आता है।
40 उसका परसेंटेज और 200 उसका पहलेगा। लेकिन इसको करने का सिंपल एक और तरीका है कि आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1.20 से कर दे या 120% से कर दे। 1.20 क्या होगा, 120% होगा, एंटरप्राइज करेंगे तो 240। तो परसेंटेज को इस तरह से हम एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं। कोई तो दिक्कत इसमें है, किसी को क्वेश्चन? नो सर। तो परसेंटेज को कैलकुलेट करना आ गया आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद चलिए राउंड के बारे में बात करते हैं कि हम नंबर को कैसे राउंड करते हैं। कई बार हमारे पास नंबर डेसिमल प्लेसेस में इस तरह से लिखा होता है, तो मुझे डेसिमल प्लेसेस कम करना है, तो जनरली लोग यहां से जाके कम और ज्यादा करते हैं, डिक्रीज इंक्रीज। लेकिन ये जो फॉर्मेटिंग है जस्ट विजुअल के लिए है, ओरिजिनल नहीं है कि ओरिजिनल में कम और ज्यादा करेगा, जस्ट विजुअल के लिए है। तो यहां पे मैं चाहता हूं कि ओरिजिनली कम हो, तो हम लगाएंगे राउंड का फॉर्मूला। अब मुझे 2 डिजिट का डेसिमल चाहिए, तो मैं 2 करके एंटर प्रेस कर दिया, तो ये आपका 2 डिजिट का डेसिमल प्लेसेस यहां पे आ जाएगा, 2 डिजिट का डेसिमल प्लेसेस। लेकिन मुझे डेसिमल प्लेसेस चाहिए ही नहीं, राउंड कर देना है। तो जहां पे मैनुअली हमने 2 लिखा था उसके जगह पे कर दीजिए 0, एंटर प्रेस कीजिए, ये आपके सामने डेसिमल हो जाए। तो कई बार नंबर को राउंड करना है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है किसी होलसेलर शॉप के ऑनर है और आप कुछ सामान बेचते हैं। अब किसी ने यूनिट में ऑर्डर दिया कि मुझे 55,640 यूनिट चाहिए, बट प्रॉब्लम है कि आप बेचते हैं बॉक्स, और बॉक्स के एक बॉक्स के अंदर में मान लीजिए कि 55 आइटम है, तो उसको कितना ऑर्डर करना चाहिए ताकि 55 आइटम के हिसाब से मेरा उतना बॉक्स होना चाहिए, उतने आइटम बॉक्स में आना चाहिए। तो ऐसे केसेस के लिए हम सेलिंग नंबर को राउंड करने के लिए हम सेलिंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सेलिंग। सेलिंग में नंबर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे 55 अपना सिग्निफिकेंट सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए। देखिए कि 55,660 आइटम होने चाहिए, तो बॉक्स के हिसाब से आ जाए। या छोड़िए, एक काम करते हैं, आप एटीएम में जाते हैं ना, एटीएम में आप अमाउंट डालते हैं, पैसा डालते हैं कि मुझे 1,285,360 रुपये चाहिए, 85 तो निकलेगा, 12,850 रुपये चाहिए, या 12,800 आपने डाल दिया। तो अगर आपका एटीएम के अंदर में अगर 500 का नोट ही है, 100 रुपये का नोट नहीं है, तो बताएगा आपको, लिख कहेगा प्लीज एंटर द 500 डोमिनेशन मल्टीप्लेक्स ऑफ द 500, इस तरह से लिख के आएगा। अब यहीं पे मैं चाहता हूं कि मुझे शो करे कि भाई मिनिमम आप इतना निकाल सकते हैं या मैक्सिमम इतना निकाल सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे 12,000 या 12,500 या 13,000 रुपये निकाल सकते हैं, ऐसा मुझे पॉपअप दे। तो ऐसे केस में नंबर को राउंड करने के लिए हम सेलिंग का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सेलिंग हमेशा अपर में देता है, लोअर के लिए आपको लेना है फ्लोर फॉर्मूला। फ्लोर फॉर्मूला, फ्लोर मतलब नीचे का फ्लोर हो गया बेस, बेस, और सेलिंग मतलब टॉप, मतलब की छत। तो फ्लोर, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट मैंने 500 दिया, तो 500 के हिसाब से 12,800 को राउंड करेगा लोअर में, 12,500। उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे सेलिंग किया मतलब कि टॉप, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने 500 लिखा, तो 12,500 13,000 आपको शो किया। समझ गए? कोई डाउट इसमें? नो सर। चलिए, किसी को डाउट तो नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेट कैलकुलेशन, कि आप एक्सेल में अपना डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सही बात, फिर से रिपीट कीजिए ना, क्या रिपीट करना है? अभी वाला जो फॉर्मूला सेलिंग का फ्लोर वाला है ना, एक बार फिर से रिपीट देखिए, सामने सामने
कोई है ही नहीं कुछ ऐसा इसमें, फ्लोर अपना नंबर डालिए, सिग्निफिकेंट डालिए, रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे सेलिंग में सेलिंग फॉर्मूला लगाइए, नंबर डालिए, सिग्निफिकेंट डालिए, कुछ खास है नहीं। एग्जैक्टली क्या होता है मतलब राउंड करता है ना सर, आपने देख रहा है 12,800 के क्या किया है इसने, इसने दो नंबर दिया आपको 12,500, 12,000 और 13,000, क्या किया है इसने बताइए, आपको क्या लग रहा है क्या किया होगा? इवन फॉर्मेट नहीं, नहीं इवन फॉर्मेट में से राउंड ऑफ किया कैसे? इवन फॉर्मेट कर दिया, 500 का इवन फॉर्मेट थोड़ा होता है, कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच, दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? और यहां पे कितना डिफरेंस है? समझ में आया कि नहीं? राउंड करता है, राउंड नंबर के भी आपसे राउंड करता है। ऊपर वाला फॉर्मूला तो डेसिमल को राउंड करेगा ना, ऐसे नंबर को राउंड करता है। आप बैंक कभी गए एफडी करने? जब बैंक में एफडी करने जाइएगा तो पैसा दीजिएगा तो क्या बोला है पता है कि प्लीज एंटर द अमाउंट इन 500 राउंड, कि 500 के राउंडिंग में आपको आपको पैसा जमा करना है, एफडी करना है। आप एफडी जाके 200 400 500 के एफडी नहीं, 500 से कम के एफडी नहीं कर सकते, या 600 के एफडी नहीं कर सकते, या तो आपको 500 के एफडी करनी है या 1,000 की एफडी करनी है, या 1,500 से करनी है या 2,000 की करनी है, हमेशा 500 के मल्टीप्लेक्स में होगा। 500 के मल्टीप्लेक्स में होगा, तो यही काम फॉर्मूला करता है कि यहाँ पे 500 मैंने दिया, यहाँ मैं 1,000 या 5,000 भी दे सकता हूं ना, ठीक है? समझ गए? देखिए दो चीजें होती है, अगर कहीं पे कहीं आपको अमाउंट एंटर करते हैं तो दो चीजें होती है, एक होता है कि मिनिमम, कि आपको मिनिमम इतना, जैसे आप म्यूचुअल फंड में परचेज करते हैं तो हाँ मिनिमम होता है कि आपको मिनिमम 5,000 डालने हैं या मिनिमम आपको 500 डालने। लेकिन जब एफडी आरडी जैसे चीजों में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे मल्टीप्लेक्स होता है कि आपको 500 के राउंडिंग में डालना है या 200 के राउंडिंग में डालना है या 100 के राउंडिंग में डालना है। समझ आया? ठीक है। जैसे आप केला लेने जाते हैं तो हम लोग यहाँ केला दर्जन पे बिकता है तो 12 के राउंडिंग में मिलेगा मुझे, समझे? चलिए आगे बढ़े। यस, डेट कैलकुलेशन। तो सिस्टम डेट के लिए अगर मैं यहां पे इक्वल करता हूं टुडे, टुडे का फॉर्मूला एक होता है जिसमें ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर मार दीजिए तो सिस्टम डेट दिखाता है और हर दिन चेंज होगा। आज 15 आया था, कल 16 हो जाएगा, परसों 17 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, तो ये आपका डेट देता है। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डेट में मुझे 20 दिन जोड़ने हैं तो कुछ नहीं कीजिए, इस पे आप 20 एंटर करके कर दीजिए, 20 दिन जोड़ देगा, ठीक है? या किसी डेट में से 20 दिन घटाने हैं आप, इसको सेलेक्ट कीजिए, 20 लिखिए, 20 दिन आप घटा सकते हैं। तो किसी भी डेट में अगर आपको ऐड करना है तो प्लस, जैसे नंबर वाला ऐड करते हैं ऐसे ऐड कर दीजिए, अगर आप प्लस करते हैं तो ऐसे आप प्लस कर। ऐसे दो डेट के बीच में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 मई और आज के डेट के बीच में मुझे डिफरेंस चाहिए तो लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कर देंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा। या फिर एक्सेल का, न्यू एक्सेल का फॉर्मूला एक डेज है, इसको भी लगा सकते हैं हम, लेटेस्ट डेट कॉमा स्टार्ट डेट, हालांकि एक्सेप्शन है, ये नहीं लगाते हैं, माइनस ही कर देते हैं। तो डेट में कोई भी ऐड करना ऐड कर सकते हैं इजीली, और किसी भी डेट का डिफरेंस निकालना है तो जस्ट माइनस कर सकते हैं, सिंपल सा। सेम उसी तरह से टाइम होता है कि अब यहां पे एक फॉर्मूला आता है नाउ का, नाउ फॉर्मूला क्या करता है, सिस्टम डेट एंड टाइम देता है, सिंपल सा। मुझे टाइम लिखना है तो जैसे मुझे अभी का टाइम लिखना है तो मुझे 10:18 पीएम एम पीएम ऐड करना होगा, ध्यान रखिए, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। अब मुझे मान लीजिए कि मैं ऑफिस सुबह 9 बजे गया था और अभी आया तो इनके बीच में कितने मिनट कितने घंटे लगे, तो इसको इसको माइनस कर दीजिए, लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम, तो आपके सामने आएगा। आप बोले सर ये तो पीएम में आ रहा है, तो इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी होगी, कहाँ से? तो टाइम में जाइए, या नंबर फॉर्मेट दिख रहा होगा
इस नंबर फॉर्मेट पे जाइए, टाइम पे क्लिक करके अपना टाइम सेलेक्ट करके ओके कीजिए। ये आपको आ गया 13 घंटे 18 मिनट, 13 घंटे 18 मिनट, बट टाइम फॉर्मेट में है। अब कुछ लोग कहते हैं सर हम लोग घंटे के हिसाब से पेमेंट करते हैं, तो 13 घंटा हुआ तो उसको जो है 200 रुपए घंटे के हिसाब से पैसा देना है, तो मैं इसको 200 क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकते। ये दिख रहा है 13 घंटा, बट एक्चुअल में क्या है? अगर इसकी फॉर्मेटिंग अगर जनरल करें तो आपको दिखेगा एक्चुअल में क्या दिखा आपको? डेसिमल, समझे? लेकिन मान लीजिए कि मुझे इसको नंबर में दिखाना है, तो इसका रिजल्ट, इसका जो फॉर्मूला आपने लगाया, उस फॉर्मूले को लीजिए ब्रैकेट में और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 24 कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट। अब इस पे जनरल फॉर्मेट करना होगा, ध्यान रखिएगा, जनरल फॉर्मेट कर दिया, इसका डेसिमल हटा दीजिए। तो अगर हमें क्या होता है कि हमें टाइम को नंबर के हिसाब से रीड करना होता है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 24 करना होता है। हाँ सुमित जी बोलिए, कुछ बोलना है? जी हाँ, ये डेट फॉर्मेट से रिलेटेड है। मैं बोल रहा हूँ जब मैं ये डेट और टाइम दोनों एक साथ आ रहा, तो मैं जब नॉर्मल एक्सेल में टाइम फ्लोट फॉर्मूला यूज करके मैं डेट तो ला देता था, लेकिन जब मैं इसको फॉर्मेटिंग जब करता था ना, तो उसमें वो डेट नहीं आता, मतलब तो डेट नहीं आता था, टाइम भी आ जाता था। फ्लोट फॉर्मूला, फ्लोट फॉर्मूला क्यों लगाइएगा? ऐसे जब मैं मेमोरी कर रहा था तो वो दिखाऊंगी। फ्लोट फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? फ्लोट तो नंबर को राउंड करने के लिए यूज होता है ना। ये एक्चुअल में फ्लोट फॉर्मूला लगाने से उसका डेट एक्सट्रैक्ट हो जाता है, अभी भी आप कीजिएगा तो हो जाएगा, वो टाइम हटा के डेट दे देता है। आप इसकी बात कर रहे हैं ना, ये बता, इसकी बात कर रहे हैं ना कि मुझे सिर्फ डेट चाहिए, तो हम इसको क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे? अगर एक यहाँ पे अगर फॉर्मेटिंग सिर्फ करनी है तो जाके डेट का फॉर्मेट डाल दीजिए, अपने आप हट जाएगा, जो भी डेट का फॉर्मेट चाहिए, आपका टाइम नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली मैंने ये किया था अपने गूगल शीट पे, हाँ, तो ये नहीं हो रहा था, तो मैंने नहीं, हाँ, तो नहीं होने के पीछे ही, नहीं होने के पीछे रीजन होगा कि आपका डेट टेक्स्ट में होगा इस तरह से 15-05-2024। अगर इस नहीं, नहीं, ऐसा नहीं था एक्चुअल में मेरा जो है वो सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट होता है ना, तो वो टेक्स्ट में नहीं आता, वो जनरल में ही आता है, इसलिए। इसका तीन है ना, एक फ्लोर यूज कर सकते हैं, एक ट्रंक TRUNC। अरे कुछ नहीं, आप यहाँ पे इंट लगा दी, क्यों सब क्यों नहीं, इंट लगाइए हट जाएगा आपका डेट टाइमिंग। इंट लगाने से भी 0-0 आता है। हाँ तो फॉर्मेट है ना सर आपका, तो फॉर्मेट चेंज कीजिए ना डेट का, वो 0-0 आता है, तो टाइम फॉर्मेट लिया हुआ है, इसलिए फॉर्मेट चेंज करना है। गूगल शीट का तो पता नहीं, यहाँ पे गूगल शीट बता रहे, पता नहीं, यहाँ पे देखिए आपको एक्सेल की बात कीजिए, कंट्रोल्स, अगर ऐसे दिक्कत है तो कंट्रोल शिफ्ट हैश यूज कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट हैश आपका डेट फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट हैश। अब इस पे भी करेंगे तो हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि वो है टेक्स्ट में, 100% टेक्स्ट में है, आप एक बार डबल क्लिक करके एंटर मारिएगा, ठीक हो जाएगा। ओके ठीक है, मैं वापस से देखता हूँ। तो डेट एंड टाइम कैलकुलेशन के बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट के ऊपर। अब फॉर्मेट के ऊपर कुछ ध्यान देने वाली चीजें जान लीजिए,
फॉर्मेट में है कि जैसे फॉर्मेट में एक चीज जान लीजिए कि अगर हम कोई नंबर लिखते हैं 500 या 5000, अगर हमने नंबर में लिखा तो जाहिर सी बात है वो क्या है, नंबर फॉर्मेट। लेकिन अगर मैंने लिख दिया एमआरपी 500 तो क्या हो जाएगा, ये टेक्स्ट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम कस्टम फॉर्मेटिंग, जो लास्ट क्लास में बताया था कि कस्टम फॉर्मेटिंग में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम एमआरपी लिखते हैं और उसके बाद जीरो दे दिए ताकि जो भी नंबर टाइप करेंगे तो उसके साथ एमआरपी लग जाए, इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। कभी भी नंबर के साथ इस तरह से ना करें। अब याद करते कि दो टेक्स्ट को आपस में ज्वाइन कैसे करें। जैसे मैं सुजीत कुमार लिखा हुआ है, अब मैं इसको अगर ज्वाइन करना चाहता हूं एक सेल में, तो इसके लिए हम दो चीज लगा सकते हैं, या तो कॉन्कैटेनेट का फॉर्मूला या फिर एंडपरसेंड। एंडपरसेंड क्या करता है, दो सेल को आपस में गम की तरह काम करता है। बट इसके बीच में मुझे चाहिए स्पेस, तो मैंने स्पेस को भी लगा दिया। तो एक जैसे जैसे आप पेपर के चिपका रहे हैं तो हर पेपर में गम लगाना जरूरी है, हर इनपुट के अंदर आपका एन लगाना जरूरी है। तो ये दोनों का आपस में क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। हालांकि कुछ लोग इसके लिए कॉन्कैटेनेट का फॉर्मूला भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस सबको बारे में हम पढ़ेंगे जब हम फंक्शन को पढ़ाएंगे। यहाँ हम कुछ जरूरी चीजें आपको समझा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब दो डेट को आपस में कॉन्केट कीजिएगा, जैसे मुझे इसको आपस में कॉन्केट करना है टू लगा के, तो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर दिया और एन परसन में स्पेस टू अगेन स्पेस, फिर एन परसेंट हमने इसको डाल दिया। तो एंटर मारने से ज्वाइन हो जाना चाहिए क्या, किसी को शक है कि ज्वाइन नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ज्वाइन होगा स्पेस नहीं होगा बल्कि टू बीच में आ जाएगा। हाँ दोनों का ज्वाइन करके बीच में, मुझे यहाँ पे ऐसा शो करना है कि 1 जनवरी 2024 टू 15 मई 2024 ऐसा शो करना है, इसलिए मैंने बीच में टू लगा दिया कंबाइन करके। ये ज्वाइन तो करेगा लेकिन क्या दिखाएगा, नंबर दिखाएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक्सेल के पास, एक्सेल के सेल में जो हम टाइप करते हैं किसी कोई वैल्यू को, वो वैल्यू दो तरह के हो, पहला होता है आपका विजुअल वैल्यू, तो 1-Jan जो दिख रहा है ये हमारा विजुअल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू जब इसको जनरल फॉर्मेट करेंगे तो आपको ओरिजिनल वैल्यू दिखेगा, और फॉर्मूला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे ही काम करता है। आपका क्या नंबर दिख रहा है उससे मतलब नहीं है, उसके फॉर्मूला बार में क्या नंबर है, विजुअल क्या, ओरिजिनल नंबर क्या है, उसको लेके चलता है। तो कॉन्कैटेनेट ने कॉन्केट तो किया बट B11 की विजुअल वैल्यू को नहीं, ओरिजिनल वैल्यू जो कि कुछ नंबर्स है। अब नंबर क्या है कि आपको अगली क्लास में बताऊंगा, फिलहाल समझिए कोई डेट का कोड है, मुझे इसको डेट चाहिए। तो जो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आप जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, इन सारे फॉर्मेट को यहाँ पे कस्टम में कोड के जरिए भी अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। अभी इस कोड के डिटेल में मैं आगे क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल समझ जाइएगा जितने भी आपके फॉर्मेटिंग है उसकी सबकी एक कोड कस्टम में होती है, जो अपने हिसाब से हम कोड डाल सकते हैं, और जो कोड यहाँ डालते हैं वो सेम कोड हम टेक्स्ट फॉर्मूले में डाल सकते हैं। तो अगर मैं EB11 को टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर डाल दिया और कोड डाल दिया यहाँ पे कि DD/MMM कस्टम फॉर्मेटिंग का कोड है, तो क्या होगा कि टेक्स्ट फॉर्मूला डेट रिटर्न करेगा इस फॉर्मेट में, वो भी एज ए टेक्स्ट क्या रिटर्न करेगा, देखिए ऊपर दिख रहा है ये 1 जनवरी 2024, समझे। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मूला लगा देंगे। ये बताने के पीछे का रीजन ये है कि जब दो, जब आप कॉन्कैटेनेट ज्वाइन करने का काम किसी सेल में कर रहे हैं और सेल आप सेल जो है नंबर डेट या टाइम को कंटेन कर रहा है, तो आपको जरूरी है कि आप लगाएं टेक्स्ट फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा क्या लगाएंगे, टेक्स्ट फॉर्मूला। एंटर प्रेस कीजिए, ये आ गया 1 जैन 2 25, क्लियर है।
किसी को डाउट इसमें? यू सर। अब बात करते हैं कुछ छोटे मोटे यूजफुल फंक्शंस के, ठीक है, जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि सम, सम फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि सम करता है। सेम एवरेज फॉर्मूला आपका डेटा का एवरेज निकालता है, सम ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाय काउंट ऑफ द वैल्यू। ऐसे आपके पास होता है मैक्स फॉर्मूला जो कि मैक्सिमम नंबर निकाल के देता है। ऐसे होता है आपके पास मिन फॉर्मूला जो कि मिनिमम वैल्यू निकाल के देता है। राउंड फॉर्मूला हम बात कर चुके हैं। स्क्वायर स्क्वायर रूट फॉर्मूला क्या करता है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के देता है। जैसे कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट निकाल के दिया। पावर फॉर्मूला स्क्वायर का काम करता है, जैसे कल बताया था आपको ना पावर के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 स्क्वायर 2 कर दूं, 100 आएगा, या फिर मैं लगा दूं पावर, पावर में 10.2, पावर ऑफ 2, ये पावर कर दे। इसके बाद आता है रैंड फॉर्मूला। अब मान लीजिए कि मुझे रैंडम परसेंटेज चाहिए, क्या चाहिए, रैंडम परसेंटेज, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला रैंड का। रैंड का फॉर्मूला लगा के जब इसके ऊपर परसेंट का सिंबल देंगे तो आपको रैंडम परसेंटेज देगा। आप कहीं भी डबल क्लिक करेंगे तो परसेंटेज चेंज होगा और कुछ भी हो सकता है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। ऐसे आपको रैंडम टाइम चाहिए तो आप रैंड का इस्तेमाल कर लें और इसके ऊपर रैंड। अभी शुरुआत में क्यों बता रहा हूं कि आगे चल के जब डेटा वगैरह आपको बनाना होगा तो एक काम देगा आप सैंपल डेटा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास होता है फॉर्मूला रैंड बिटवीन का, इसका यूज मैं बहुत करूंगा आगे क्लासेस में। वो क्या करता है कि रैंडम नंबर निकालता है दो नंबर के बीच में, जैसे कि मैंने लिख दिया 10 और 90। अब 10 और 90 की जगह पर मैं कुछ भी लिख सकता हूं, फिक्स नहीं है, तो 10 और 90 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर आपको निकाल के। और जब भी आप एक्सेल पे कुछ भी करेंगे, जैसे डबल क्लिक किए, कुछ को टाइप किए या रिफ्रेश किए, कॉपी किए, तो ये अपनी वैल्यू को चेंज कर देगा, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मूला मैंने बताया, बोलिए। हाँ सर, रैंडम के केस में नंबर डायनामिकली चेंज होता है, तो मोमेंट क्लिक करे या कुछ भी चेंज करे या एंटर भी प्रेस करे ना होता, तो नंबर गेट्स रैंडमली चेंज। हाँ, फॉर्मूला ये इसलिए तो बना है फॉर्मूला, नहीं तो उसका कुछ रीजन है क्या, टेक्निकल रीजन? फॉर्मूला बना इसलिए है ना। ओके, फॉर्मूला को बनाया इसलिए गया था कि एवरी टाइम गिव द नंबर, और जब भी हम डबल क्लिक करते हैं ना, तो डबल क्लिक करते ही या कुछ टाइप करते हैं तो सी एक्सेल फाइल में लगे हुए सारे फॉर्मूला अपने आप को कैलकुलेट करता है, मतलब कि दोबारा से उसको रन करता है रिजल्ट को अपडेट करने के लिए। जब डबल क्लिक, बाकी के जो फॉर्मूला होते हैं वो डायनामिक नहीं होते, स्टैटिक्स होते हैं। अविनाश जी, आप गलत इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। हर फॉर्मूला डायनेमिक होता है, लेकिन ये जो फॉर्मूले लगे हैं ये फॉर्मूले डिपेंड करते हैं इसके रिजल्ट पे, इसके इनपुट पे अपना आउटपुट देते हैं। लेकिन जब भी आप डबल क्लिक करते हैं या कहीं पे कुछ टाइप करते हैं तो लगा हुआ हर एक फॉर्मूला दोबारा से रन होता है। अब ये अपना रिजल्ट चेंज नहीं करता है क्योंकि इसका इनपुट चेंज नहीं हुआ है ना, पर रैंड रैंड फॉर्मूला या रैंड बिटवीन फॉर्मूला में तो कोई इनपुट है नहीं, उसका काम ही है हर बार नया रिजल्ट देना। समझ होता है, समझ गए? और ये बना इसीलिए है, इसका यूज हम लोग करते थे ऑफिस में जब ईयर एंड का जब ये आता था, या 2 या 3 साल बाद अप्रेजल आता था, क्या बोलते हैं, ऑडिट आता था, तो ऑडिट में हम लोगों को बोला जाता था कि आपको 3 साल तक का डेटा बना के रखना है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे रिपोर्ट्स मिस हो जाते थे, प्रिंट आउट में रखना होता था। ओके, तो रिपोर्ट हमारे मिस हो जाते थे या मिल नहीं रहे होते थे,
और ऑडिटर बैठा हुआ है, बोला यार एक काम करो जनवरी के 2 से 4 फरवरी फाइल दो, वो जस्ट चेक करेगा कि वो मैनेज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, वो फिगर कभी मैच नहीं करेगा, ठीक है ना, वो जस्ट चेक करता है कि रिकॉर्ड है या नहीं है। तो ऐसे किसी हम लोग क्या करते थे, ऐसे रैंडम डेटा डाल के रैंडम नंबर आ जाते थे, नंबर वैलिड लगते थे, सारे नंबर रैंडम है तो वैलिड लगते थे, क्योंकि अगर मैं टाइप मैनुअल टाइप करूंगा नंबर तो नंबर कुछ ही नंबर टाइप होते हैं ना, रैंडम टाइप होते नहीं है, एक सीक्वेंस, आपकी उंगली आपका दिमाग एक सीरीज पे वर्क करता है, 35 38 85 38 75, तो ऑडिटर समझ जाता था कि ये टाइप की वर्क फेक नंबर है, लेकिन जब मैं रैंडमिक में से बना के देता था ऑडिटर नहीं समझ आता था, उधर हाँ जन्म रिपोर्ट है ओके कर देता था, तो उसके लिए हम लोग बनाते। जब जब से मैंने अब एजेंसी ज्वाइन की थी अपनी श्री फाइनेंशियल में, तब से एक बार भी ऑडिट में किसी तरह का मिसलेनियस नहीं निकला था, ये जो रिपोर्ट है ठीक है, जो नहीं तो हम रैंडम से बना देते थे। एक बार ऑडिट पास हो गया तो बाद में दोबारा कौन कौन खोल के देखता है उसको। सर तो इसका रैंडम यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आता है अपर फॉर्मूला। अपर फॉर्मूला क्या करते हैं कि आपके जो नंबर है उसके जो अपर है अपर केस में कन्वर्ट करते हैं, लोअर फॉर्मूला लोअर केस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ऐसे आपका जो है आपका सारे फॉर्मूले की जो ये है लिस्ट मैंने दे रखे हैं कि कौन फॉर्मूला क्या करता था, 20 फॉर्मूले इसमें है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है राइट। अब इसमें आपको डू लिस्ट में हम आते हैं, डू लिस्ट में क्या करना है आपको, इसमें सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक स्टूडेंट स्कोर कार्ड बनाना है, स्टूडेंट का स्कोर कार्ड कुछ इस तरह का, ठीक है, या कोई और तरीके भी बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको डेट को ज्वाइन करना है बिटवीन 2 डेट्स को, कि भाई सुरेश जो है ज्वाइन किया 10 जनवरी 2017 को, आज लीव कर रहा है, तो उसके कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ वर्किंग डेज कि कितने दिन उसके हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे 500 का 60% कैलकुलेट करना है विदाउट सिलेंडर्स। तो ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ क्लास अभी, जस्ट आप इसकी प्रैक्टिस